अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर बायोलॉजी लेक्चर। और आज की इस वीडियो के अंदर हम डाइजेशन वाला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। और इस वीडियो के अंदर हम जनरल इंट्रोडक्शन करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम का, यानी ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन्स इन्वॉल्व हैं। और इसके साथ साथ हम फोर स्टेजेस ऑफ फूड प्रोसेसिंग की भी डिस्कस करेंगे, यानी जो फूड हम खाते हैं वो कौन कौन सी स्टेजेस से पास होकर गुजरता है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के। सबसे पहले हम डाइजेशन को डिस्कस करते हैं। डाइजेशन क्या है? डाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके ज़रिए फूड जो हम खाते हैं, खुराक जो हम खाते हैं, उसकी ब्रेक डाउन होती है वेरी स्मॉलर पीसेज में, और फिर वो स्मॉलर पीसेज हमारी बॉडी एब्जॉर्ब करती है फॉर वाइटल फंक्शंस। कौन कौन से फंक्शन अभी हम देखते हैं। और एब्जॉर्ब करने के बाद कुछ वेस्ट प्रोडक्ट बच जाते हैं, जो कुछ फालतू मटेरियल बच जाते हैं, उनकी एक्सक्रीशन भी करनी होती है हमारी बॉडी में। सो डाइजेशन क्या है? बेसिकली इज़ द ब्रेक डाउन ऑफ फूड इंटू स्मॉलर मॉलिक्यूल दैट कैन बी एब्जॉर्ब बाई द बॉडी। हो गया क्लियर? अब क्वेश्चन अराइज होता है कि डाइजेशन की ज़रूरत क्यों पेश आती है। इसको समझने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारी बॉडी को किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है। एक तो हमारी बॉडी के अंदर सिंथेटिक प्रोसेसेस हो रहे होते हैं, यानी चीज़ें बन रही होती हैं, नए नए सेल्स बन रहे होते हैं, हेयर की ग्रोथ हो रही होती है, नेल की ग्रोथ हो रही होती है, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स की सिंथेसिस हो रही होती है हमारी बॉडी के अंदर। उन सिंथेसिस के लिए हमें फूड की रिक्वायरमेंट होती है, और वो सिंथेसिस जो हैं वो थ्रू एनाबॉलिक प्रोसेसेस के ज़रिए हो रही होती हैं, राइट? यानी सिंथेटिक रिएक्शंस को हम एनाबॉलिक रिएक्शंस कहते हैं। एनाबॉलिक रिएक्शंस के लिए हमें बिल्डिंग ब्लॉक्स की ज़रूरत है, और वो बिल्डिंग ब्लॉक फूड प्रोवाइड करते हैं। यानी फूड की ब्रेक डाउन होती है वेरी सिंपलर सब्सटेंसेस में, यानी अमीनो एसिड में, लिपिड्स में, लिपिड्स तो नहीं कहेंगे, फैटी एसिड ग्लिसरॉल, जो उनके बिल्कुल बिल्कुल सिंपलर सब्सटेंसेस हैं। इसके अलावा विटामिन्स और ग्लूकोज वगैरह, और ये जितने भी सिंपलर मॉलिक्यूल्स हैं, इनको यूज़ करके हमारी बॉडी डिफरेंट सिंथेसिस कर रही होती है, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बना रही होती है। फर्स्ट रिक्वायरमेंट तो सिंथेटिक प्रोसेसेस की आ गई, जिसके लिए हमें फूड की रिक्वायरमेंट है, डाइजेशन की रिक्वायरमेंट है। सेकंड, हमारी बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत होती है, क्योंकि हम डिफरेंट काम कर रहे होते हैं, हम सांस लेते हैं, सोचते हैं, बात करते हैं, चलते फिरते घूमते हैं, इन सब प्रोसेसेस के लिए हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, और वो एनर्जी भी फूड प्रोवाइड करता है। फूड की डाइजेशन होगी स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में, और वो स्मॉलर मॉलिक्यूल फिर रेस्पिरेशन के ज़रिए टूटते हैं, उनसे एनर्जी रिलीज़ होती है, हमारी बॉडी एनर्जी यूटिलाइज़ करती है। होपफुली मैंने ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया है आपको डाइजेशन का, कि डाइजेशन क्या है और ये क्यों ज़रूरी है। होपफुली आपको समझ आ चुकी होगी। अब हम फोर स्टेजेस ऑफ फूड प्रोसेसिंग की देखते हैं, यानी फूड जो हम खाते हैं वो कौन कौन सी स्टेजेस से गुजरता है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में। सबसे पहली स्टेज आ जाती है इंजेशन। इंजेशन बोलते हैं द एक्ट ऑफ ईटिंग और फीडिंग, यानी जो खाने का अमल है, मुंह में हम जब लुकमा डालते हैं, कोई चीज़ खाते हैं या फीडिंग करते हैं छोटे बच्चे, इस प्रोसेस को इंजेशन बोलते हैं। सबसे फर्स्ट स्टेज क्या है कि आपने कोई चीज़ मुंह में डालनी है, इस प्रोसेस को इंजेशन बोलते हैं। सेकंड स्टेज फिर आ जाती है डाइजेशन, जो हम डिस्कस कर चुके हैं क्या है, ब्रेक डाउन ऑफ फूड इंटू स्मॉलर मॉलिक्यूल। डाइजेशन के फर्दर दो स्टेजेस हैं या प्रोसेसेस हैं। फर्स्ट आ जाती है मैकेनिकल डाइजेशन। मैकेनिकल डाइजेशन क्या है? फिजिकल ब्रेकडाउन है, यानी जब आप फूड या लुकमा अपने मुंह में डालते हैं, तो आपके दांत जो हैं उस फूड की ब्रेकडाउन करते हैं, उसको तोड़ते हैं। फिजिकली जो ब्रेकडाउन हो रही है, इसे मैकेनिकल डाइजेशन बोलते हैं। और फिर मैकेनिकल डाइजेशन के बाद केमिकल डाइजेशन होती है, जिसमें डिफरेंट केमिकल्स उस फूड में शामिल होते हैं और मज़ीद उस फूड की डाइजेशन को फैसिलिटेट करते हैं। जैसे कि मुंह में स्लाइवरी ग्लैंड होते हैं, और वो स्लाइवरी ग्लैंड स्लाइवा सिक्रीट करते हैं। स्लाइवा इज़ जस्ट अ टाइप ऑफ केमिकल। केमिकल डाइजेशन मुँह से ही स्टार्ट हो जाती है, फिर स्टोमिक में डिफरेंट गैस्ट्रिक एसिड्स और इन्जाइम्स की सिक्रीशन होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में डिफरेंट हार्मोन्स और इन्जाइम्स की सिक्रीशन होती है। ये केमिकल्स की सिक्रीशन हो रही होती है, इसे हम केमिकल डाइजेशन बोलते हैं। सेकेंड स्टेज क्या है? केमिकल डाइजेशन, जिसमें मैकेनिकल और केमिकल डाइजेशन शामिल है। डाइजेशन हमने स्टडी किया क्या है, ब्रेक डाउन ऑफ फूड इंटू सिंपलर मॉलिक्यूल। अब फूड की ब्रेक डाउन हो चुकी है छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में, तो थर्ड स्टेज आ जाती है जिसमें एब्जॉर्प्शन होती है। एब्जॉर्प्शन क्या है? जिसमें आपकी बॉडी उन स्मॉलर मॉलिक्यूल्स को एब्जॉर्ब करती है फॉर वाइटल फंक्शन। कौन कौन से फंक्शंस? एनाबॉलिक प्रोसेसेस एंड कैटाबॉलिक प्रोसेसेस के लिए, यानी मेटाबॉलिज्म के लिए। और जब वो एब्जॉर्प्शन का अमल हो जाता है, उसके बाद फाइनल स्टेज आ जाती है एलिमिनेशन और एक्सक्रीशन, जिसमें जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं,
जो ऐसे मटेरियल्स, ऐसे सब्सटेंसेस जो आपकी बॉडी को रिक्वायर नहीं है, उसकी एलिमिनेशन होती है, उसकी एक्सक्रीशन होती है, आपकी बॉडी से बाहर निकलते हैं थ्रू एनस। सो दिस इज़ द लास्ट स्टेज ऑफ फूड प्रोसेसिंग। अब हम ज़रा सा डाइजेस्टिव सिस्टम को देख लेते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम में आपके सबसे मेन जो पार्ट है, स्ट्रक्चर है, वो आ जाती है एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल एक नाली है जो मुंह से स्टार्ट होती है और एनस तक जाती है। ठीक है, इसमें कौन कौन सी स्ट्रक्चर्स आ जाती हैं वो हम देखते हैं। सो एलिमेंट्री कैनाल मुंह से स्टार्ट होती है। सो दिस पोर्शन इज कॉल्ड माउथ और ओरल कैविटी। इसमें डिफरेंट ऑर्गन्स और प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि दांत होते हैं, टीथ होते हैं, और साथ ही साथ इसमें सलाइवरी ग्लैंड भी प्रेजेंट होते हैं। सो माउथ से ये एलिमेंट्री कैनाल स्टार्ट होती है। एलिमेंट्री कैनाल को गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक भी कहा जाता है, डाइजेस्टिव ट्रैक भी कहा जाता है, यानी ये एक रास्ता होता है। ठीक है, सो माउथ से ये रास्ता स्टार्ट होता है और करते करते फिर आगे फेरेंक्स का रीजन आ जाता है। यहाँ गले वाला जो रीजन है उसे फेरेंक्स कहा जाता है। ये नेक्स्ट वीडियो में हम डिटेल में देखेंगे हर एक रीजन का सेपरेटली फंक्शन क्या है। फिर जो नीचे खुराक की नाली आ जाती है वो ईसोफेगस होती है। इसकी दूसरी साइड ये ट्रैकिया आ जाता है, उसे हम डिस्कस नहीं कर रहे, वो रिस्पायरेटरी सिस्टम का हिस्सा है। सो यहाँ पर ये डाइजेस्टिव सिस्टम में ईसोफेगस एक खुराक की नाली आ जाती है जो स्टोमिक तक जाती है। ठीक है, यहाँ से खुराक एंटर होती है नवाला और करते करते ईसोफेगस से करते करते नीचे स्टोमिक वाले एरिया में चला जाता है। सो नेक्स्ट जो ऑर्गन है वो क्या आ जाता है, स्टोमिक, जहाँ पर फूड स्टोर होता है मोस्टली 4 to 6 hours के लिए या 2 to 4 hours के लिए, जहाँ पर फूड स्टोर होता है, जहाँ पर मज़ीद केमिकल ब्रेक डाउन होती है। और ये स्टोमिक जो है फिर ये स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ जुड़ जाता है। ये अंदर वाली जो रेड कलर में आपको नज़र आ रही है, स्मॉल इंटेस्टाइन 17 to 20 feet होती है एडल्ट ह्यूमंस के अंदर। सो स्मॉल इंटेस्टाइन करते करते लार्ज इंटेस्टाइन के साथ अटैच हो जाती है। लार्ज इंटेस्टाइन डायमीटर में बड़ी होती है, लेंथ में छोटी होती है। ठीक है, सो लार्ज इंटेस्टाइन में फूड जाता है और करते करते फिर एनस से वेस्ट मटेरियल रिलीज हो जाते हैं। सो ये आ गया एलिमेंट्री कैनाल, जिसमें कौन कौन से ऑर्गन शामिल है, माउथ है, फेरिंग्स है, ईसोफेगस, स्टोमिक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड दैट पोर्शन रेक्टम, जहाँ पर जो वेस्ट मटेरियल स्टोर होता है उसे रेक्टम बोलते हैं, और एनस जो फाइनल ओपनिंग है जहाँ से एक्सक्रीटरी मटेरियल आउट हो जाते हैं बॉडी से। सो दिस इज एलिमेंट्री कैनाल। लेकिन जब हम डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करते हैं तो डाइजेस्टिव सिस्टम में कुछ और ऑर्गन्स भी इन्वॉल्व हैं जो डाइजेशन को फैसिलिटेट करते हैं, जो डाइजेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि इन ऑर्गन से डिफरेंट सिक्रीशंस, एंजाइम्स, हार्मोन्स की सिक्रीशन होती है जो कि डाइजेशन में हेल्पफुल होते हैं। सो जब हम डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करेंगे तो इसमें कुछ ऑर्गन्स इन्वॉल्व हैं। कौन कौन से, लिवर जो कि बाइल की सिक्रीशन करता है, आगे डिटेल से देखेंगे। लिवर के पिछली साइड अटैच होता है, जहाँ पे मैंने फ्रंट पे अटैच करवाया है, पिछली साइड इस तरीके से एक गॉल ब्लैडर होता है जिसे पित्ता भी कहा जाता है उर्दू के अंदर। सो गॉल ब्लैडर में लिवर का जो बाइल है वो स्टोर होता है, और गॉल ब्लैडर से फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में सिक्रीशन होती है बाइल की, जो कि फैट वगैरह की ब्रेक डाउन करता है। सो इसके अलावा पेनक्रियास एक ऑर्गन भी शामिल है जो कि स्टोमिक के पिछली साइड पर प्रेजेंट होता है, और ये भी स्मॉल इंटेस्टाइन में इसकी ओपनिंग होती है। सो पेनक्रियास डिफरेंट एंजाइम सिक्रीट कर रहा होता है, जिसे लबलबा भी कहा जाता है उर्दू के अंदर। इसके अलावा सलाइवरी ग्लैंड जो यहाँ माउथ में प्रेजेंट होते हैं, 3 pairs प्रेजेंट होते हैं। सो जब हम डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करते हैं तो इन ऑर्गन्स को भी बीच में शामिल करते हैं। सो दिस इज़ अ जनरल स्केच ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। सो अब हम ज़रा सा देख लेते हैं कि 4 stages कहाँ कहाँ पर परफॉर्म होती हैं फूड प्रोसेसिंग की, जो अभी हमने डिस्कस की। सबसे पहली स्टेज जो हमने देखी थी वो थी इंजेशन, जिसमें ईटिंग ऑफ फूड। सो माउथ में ईटिंग ऑफ फूड होती है, जैसे ही फूड माउथ में एंटर होता है तो डाइजेशन स्टार्ट होना शुरू हो जाती है, जिसमें मैकेनिकल डाइजेशन टीथ कर रहे होते हैं, और केमिकल डाइजेशन सलाइवा सिक्रीट करके केमिकल डाइजेशन भी शुरू हो जाती है। फिर वो फूड ईसोफेगस के रास्ते यहाँ स्टोमिक में आता है, तो यहाँ पर मज़ीद डाइजेशन होती है बाय गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीट होते हैं, और पेप्सिन एंजाइम भी सिक्रीट होता है, तो यहाँ पर फूड की मज़ीद केमिकल डाइजेशन होती है। यहाँ पर स्टोमिक में डाइजेशन होने के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में वो फूड मॉलिक्यूल्स चले जाते हैं, और स्मॉल इंटेस्टाइन के डिफरेंट पोर्शंस होते हैं, वहाँ पर मज़ीद डाइजेशन भी होती है और साथ में एब्जॉर्प्शन होना भी शुरू हो जाती है,
यानी स्मॉल इंटेस्टाइन से फूड एब्जॉर्ब होना भी शुरू हो जाता है, और एब्जॉर्ब होने के बाद सबसे पहले वो लिवर में जाता है फूड, आगे डिटेल से देखेंगे। सो यहाँ पर एब्जॉर्प्शन होती है स्मॉल इंटेस्टाइन में, और स्मॉल इंटेस्टाइन से फूड पास होते होते लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन में भी कुछ विटामिन और वाटर की एब्जॉर्प्शन होती है, और करते करते लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर फिर वेस्ट प्रोडक्ट स्टोर हो जाते हैं, एंड देन एनस से वो सिक्रेट हो जाते हैं। सो दिस इज़ वेरी सिंपल जनरल स्केच ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। होपफुली आपको लेक्चर समझ में आया होगा। एक क्विक रिव्यू कर लेते हैं जो आज हमने स्टडी किया। डाइजेशन सबसे पहले हमने देखा है एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें फूड की स्मॉलर मॉलिक्यूल में ब्रेक डाउन होती है, और वो स्मॉलर मॉलिक्यूल फिर हमारी बॉडी एब्जॉर्ब कर लेती है। सो स्टेजेस ऑफ फूड प्रोसेसिंग के हमने देखे 4 स्टेजेस हैं। एक इंजेशन है जिससे हम फूड खाते हैं, मुंह में जो डालने वाला प्रोसेस है फूड का उसे इंजेशन बोलते हैं। फिर उसकी डाइजेशन होती है 2 तरीकों से, मैकेनिकल और केमिकल। मैकेनिकल फिजिकल ब्रेक डाउन होती है, और केमिकल जो केमिकल के जरिए जो उसकी ब्रेक डाउन होती है उसे केमिकल डाइजेशन बोलते हैं। फिर जब डाइजेशन हो जाती है स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में फूड कन्वर्ट हो जाते हैं, तो उसकी एब्जॉर्प्शन होती है, आपकी बॉडी एब्जॉर्ब करती है। फिर एलिमिनेशन होती है, वो जो फूड मॉलिक्यूल्स हैं वो आपकी बॉडी से जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं वो एक्सक्रीट हो जाते हैं। फिर हमने डाइजेस्टिव सिस्टम को देखा कि वो उसमें एक एलिमेंट्री कैनाल है, और एलिमेंट्री कैनाल माउथ से स्टार्ट होकर एनस तक एक नाली है, एक रास्ता जाता है, जिसमें हमने देखा माउथ शामिल है, फेरेंक्स, ईसोफेगस, स्टोमेक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। और इसके अलावा कुछ और ऑर्गन्स हैं जो कि इन्वॉल्व हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में, जो कौन कौन से हैं, गाल ब्लैडर है, पेनक्रियास है, लिवर है, एंड सलाइवरी ग्लैंड, और भी डिफरेंट हैं जो हम नेक्स्ट वीडियोस के अंदर स्टडी करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे लेक्चर। होपफुली लेक्चर आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए मुझे इजाज़त है। शुक्रिया। अल्लाह।